अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम पढ़ेंगे मुज़क्का मौनस सफ़ा नंबर 29 पेज नंबर 29। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इल्म इज़ाफ़े की दुआ। आप लोग मेरे साथ पढ़िए इल्म इज़ाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ओके, अब हम खोलते हैं सफ़ा नंबर 29 पेज नंबर 29। सबसे पहले आपको तारीख डालनी है और दिन डालना है, ठीक है। मुज़क्कर मौनस, मुज़क्कर का मतलब होता है, मुज़क्कर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, लड़के के लिए, लड़का, अब्बू, दादा, नाना, तोता, ठीक है। और मौनस हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं, अम्मी, नानी, दादी, तोती, लड़की, इसलिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पढ़ें और दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। इधर हमें क्या करना है, खाली जगहें पुर करनी है इन जगहों पर, ठीक है। जहाँ पर खाली जगह है वो हमें पुर करनी है। ये मेरे डैश और वो मेरी डैश हैं, ठीक है। अब हमें इधर दी गई तस्वीर जो है ना उनकी मदद से पुर करनी है। ये मेरे अब्बू हैं और वो मेरी अम्मी हैं। ये मेरे, इधर क्या लिखना है, अब्बू। ओके, अब अब्बू कैसे लिखते हैं, ये लिखा हुआ है अलिफ बे वाव, अब्बू, ठीक है। अलिफ बे अ और वाव, अब्बू। और वो मेरी अम्मी है, अम्मी देखें ये लिखा हुआ है अलिफ मीम छोटी है मी, अम्मी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए सेकंड ब्लैंक पे डैश और डैश बाजार जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये कौन है लड़का और ये कौन है लड़की। लड़का और लड़की बाजार जा रहे हैं, लड़का कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा लाम रे लड़ काफ अलिफ का, लड़का और लाम रे लड़ काफ बढ़िए की लड़की। लड़का और लड़की बाजार जा रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पर देखिए, तीसरे नंबर पे क्या है, डैश और डैश आम खा रहे हैं, ये कौन है दादा दादी। तो हमें इधर क्या लिखना है, दादा, और इधर लिखना है दादी। दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दादा, दाल अलिफ दा, दाल छोटी दी, दादी। दादा और दादी आम खा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, डैश को कोट और डैश को हार ला दो, ये कौन है नाना नानी। इधर क्या लिखना है, नाना, और इधर लिखना है नानी, ठीक है। नून अलिफ ना, नून अलिफ ना, नाना, और इधर देखिए नानी कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा नून अलिफ ना, नून छोटी नी, नानी। ओके, अब देखिए ये क्या है, तोता तोती, तोता और तोती अमरूद खा रहे हैं। इधर हमें लिखना है तोता और इधर लिखेंगे तोती अमरूद खा रहे हैं। कुएं वाओ तो कुएं अलिफ ता, तोता कुएं वाओ तो कुएं छोटी ती तोती, तोता और तोती अमरूद खा रहे हैं। आपको इस तरीके से खाली जगह पुर करनी है, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब नीचे देखिए, प्यारे बच्चों क्या आप मेरे कुछ मज़ेदार सवालात के जवाब दे सकते हैं, कोशिश करके देखें, दी गई तस्वीर आपकी मदद करेंगी। इधर आपको क्या है, चार तस्वीरें दी हुई हैं, ठीक है, ये देखें 1 2 3 4, इधर चार सवाल हैं, हमें इनके जवाब देने हैं, ठीक है। ये सवाल है, हमें इसका जवाब इधर लिखना है इन तस्वीर की मदद से। शेर कहाँ रहता है, आपको मैंने बताया था रीडिंग करवाते वक्त शेर कहाँ रहता है, ये देखिए ये क्या है, फौजी, तोता, चाबी, गार। शेर कहाँ रहता है, गार में, तो हम लिखेंगे गार, गैन अलिफ गा रे साकिन गार। आपके मुल्क की हिफाजत कौन करता है, हमारे मुल्क की हिफाजत कौन करता है, फौजी, ये देखें फौजी है ना, इधर हम लिखेंगे फे वाओ फो जीम बढ़िए जी फौजी। कौन सा परिंदा अमरूद शौक से खाता है, कौन सा परिंदा अमरूद शौक से खाता है, तोता। अभी हमने यहाँ पर भी लिखा था तोता और तोती अमरूद खा रहे हैं, इधर हम क्या लिखेंगे, तोता, कुएं वाओ तो कुएं अलिफ ता तोता। ताला किससे खोला जाता है,
ताला किससे खोलते हैं हम? चाबी से। इधर देखेंगे चाबी बनी हुई है, हमें लिखना है चे लिख चा, चे के नीचे तीन नुक्ते, बे छोटी है बी, चाबी। ओके बच्चों, ये काम आपको इस तरीके से करना है, बिल्कुल सफाई से। अल्लाह हाफिज़, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।